अपनी जूनियर के यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आज हो सकते हैं तेजपाल से पूछताछ। गोवा पुलिस तेजपाल की तलाश में तहलका मैगजीन के दफ्तर पहुंची। गोवा पुलिस ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शुमा चौधरी से आज भी पूछताछ करने की तैयारी की है। शनिवार को तहलका की संपादक से हुई 9 घंटों तक की पूछताछ। दिल्ली में मौजूद गोवा पुलिस की विशेष जांच कमेटी आज पीड़ित के दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है, जिन्हें महिला पत्रकार ने सबसे पहले तेजपाल की शर्मनाक हरकतों की जानकारी दी थी। गोवा पुलिस ने पीड़ित पत्रकार से भी जांच में शामिल होने की गुजारिश की है और तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। गोवा पुलिस की जांच टीम ने शनिवार को पूरे 9 घंटे तक तहलका के दफ्तर में गुजारे। इस दौरान गोवा पुलिस ने तमाम सुराग खंगाले, जिनके जरिए तेजपाल के गुनाहों की तह तक पहुंचा जा सके। तरुण तेजपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से परिवार हुआ परेशान। पीड़ित महिला पत्रकार पर दबाव डालने की कोशिश, पीड़ित महिला पत्रकार ने किया खुलासा। तरुण तेजपाल अपनी करतूतों पर पैसों और ताकत के बूते पर्दा डालने की कोशिश जारी। केस वापस लेने के एवज में पीड़ित परिवार को लालच दे रहे हैं तरुण तेजपाल। यौन उत्पीड़न के आरोपी तेजपाल अपने बयान से मुकरे। तेजपाल ने एक अखबार को भेजे ईमेल में दावा किया है कि लड़की झूठ बोल रही है और उन्हें इस मामले में सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। गोवा पुलिस ने उस 5 सितारा होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि होटल के लिफ्ट में सीसीटीवी नहीं था। गोवा पुलिस की टीम ने सुनीता सावंत और डीएसपी सेमी तेवारे समेत 3 अधिकारी शामिल हैं। गोवा पुलिस की इस जांच में दिल्ली पुलिस भी कर रही है पूरी मदद। जासूसी कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। निलंबित आईएएस दीप शर्मा ने न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में खोले जासूसी कांड के राज। पहली बार गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा ने लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि जासूसी कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी हैं। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम से खास बातचीत में प्रदीप शर्मा ने खोले हैं जासूसी कांड के पूरे राज। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में प्रदीप शर्मा ने बताया कि मोदी और आर्किटेक्ट लड़की के बीच छोटी सी मुलाकात ईमेल और मैसेज के बाद फोन तक आ पहुंची, लेकिन मोदी को शक होने पर करवाई लड़की की जासूसी। शर्मा ने मोदी के सिपे सलार अमित शाह पर भी संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने न्यूज 24 से कहा कि जासूसी कांड में अमित शाह ने गृहमंत्री रहते निभाई अहम भूमिका। एक महिला आर्किटेक्ट के अवैध जासूसी के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें आपराधिक मामलों में इसलिए फंसाया गया क्योंकि उन्हें मोदी और इस महिला की नजदीकियों के बारे में जानकारी थी। दीप शर्मा ने कहा कि उन पर ऊपर फर्जी मामले दायर किए गए क्योंकि मोदी को ऐसा लगता था कि उनके पास गुजरात सीएम से जुड़ी एक अहम वीडियो सीडी है। प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट और गुलेल के खुलासे के सामने आए ऑडियो टेप्स की सीबीआई जांच की मांग की है। पोस्ट और गुलेल ने अमित शाह और एक आईपीएस के बीच हुई बातचीत के टेप जारी किए थे, जिसके मुताबिक शाह ने किसी साहब के इशारे पर एक महिला आर्किटेक्ट की अवैध रूप से जासूसी कराई थी। दीप शर्मा का कहना है कि उन्होंने ही 2004 में मोदी और 27 साल की इस महिला आर्किटेक्ट की मुलाकात कराई थी। आम आदमी पार्टी की सुरीली शर्मा की सुरीली शाम में किया गया गाने के बोल से छेड़छाड़।
टेस्टिंग ऑपरेशन में फंसी आपकी बढ़ सकती है मुश्किलें। मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ने बचनाए हसीनों के बोल को बदलकर किया अर्थ से अनर्थ। आम आदमी पार्टी पर चल सकता है चुनाव आयोग का डंडा। कंसर्ट में विवादास्पद गाने ने चुनावी समर में आपके खिलाफ एक और मुद्दे को हवा दे दिया है। दिल्ली में 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले। शनिवार को आपके कंसर्ट में जमा हुए गीत संगीत की दुनिया से जुड़े करीब एक दर्जन कलाकार। जंतर मंतर पर आयोजित की गई थी आपकी सुरीली शाम। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्टिंग ऑपरेशन में फंसे आपके नेताओं को दी क्लीन चिट। उन्होंने कहा कि आपको फंसने के लिए किए गए थे करोड़ रुपए खर्च। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने की खुदकुशी। सीलमपुर में रह रहे आप कार्यकर्ता अरविंद मलिक ने आज खुद को गोली मार ली। उन्हें जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन को बताया फर्जी। कहा पार्टी को बदनाम करने की साजिश। मीडिया पर भी बरसे। कहा बिना जांच के मीडिया ने चलाई सीटी। नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्टिंग करने वाली वेबसाइट को स्टिंग करने के लिए 12 करोड़ रुपए दिए गए और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां आम आदमी को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद फरुखाबाद में आप पर जमकर बरसे। खुर्शीद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालती हैं जबकि उसकी खुद की पार्टी में भ्रष्टाचार है। करोड़ों कमाने वाले बयान पर फंसे अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों ने उन्हें चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल का बयान इनकम टैक्स अधिकारियों की गलत छवि पेश करता है। केजरीवाल ने कहा कि अगर वो भ्रष्ट होते तो आयकर विभाग में रहते हुए करोड़ रुपए कमाते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी दी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर आतंकी खतरा है। आतंकी चुनाव में बाधा डालने की फिराक में। पीएम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में हाल में हुए सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता जाहिर की है। पीएम ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए स्थानीय मुद्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री ने डीजीपी और आईजीपी के सम्मेलन में कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशकों की जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जरूरत के हिसाब से काम करें। मनमोहन सिंह ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि देश ने हाल में मुजफ्फरनगर में गड़बड़ियां और बीते साल के दौरान हुई सोशल मीडिया और SMS का दुरुपयोग देखा है। राजस्थान के कोटा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजेपी पर जमकर बरसी। सोनिया गांधी ने कहा कि हम झूठ को सच नहीं बताते और बीजेपी को अगर कुछ दिखता है तो वो सिर्फ है सत्ता। सोनिया ने बीजेपी के मुफ्त दवाई योजना को जहर बताने की आलोचना करते हुए कहा कि मुफ्त दवाई योजना से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है जिनके दिलों में आम लोगों के लिए जगह नहीं होती वो इस तरह की बातें करते हैं। सोनिया ने कहा कि बीजेपी हमारी बुराई करते रहे और उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे हैं अफवाह फैलाते रहे लेकिन हम अपना काम करते रहे।
सोनिया ने कहा कि अपनी झूठी तारीफ करना और दूसरों की बुराई करना कांग्रेस का काम नहीं है। सोनिया ने कहा अगर आम आदमी के प्रति इतना ही दर्द था तो बीजेपी ने अपने शासन में ऐसे काम क्यों नहीं किए जो कांग्रेस कर रही है। सोनिया ने गहलोत सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि आज राजस्थान देश के विकसित राज्यों में गिना जाने लगा है, ये कांग्रेस सरकार की विकास योजनाओं के योगदान के कारण संभव हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज दिल्ली में चुनावी रैली, पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में है सोनिया गांधी की रैली। 4 दिसंबर को होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी आज भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली मेट्रो दिलशाद गार्डन से रिठाला तक आज से 6 कोच वाली चलाएगी ट्रेन। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर की वजह से लिया गया है फैसला। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंद किए गए 108 होटल मालिकों को पॉल्यूशन नियमों का उल्लंघन की मिली सजा। 85 और होटलों पर तालाबंदी के आसार। नारायण साईं के सहयोगी और सूरत रेप केस में आरोपी हनुमान की अग्रिम जमानत की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है। हनुमान के नारायण को लड़कियां सप्लाई करता था। 26/11 की बरसी से पहले महाराष्ट्र सरकार की खुली नींद, समुद्री इलाकों के लिए सरकार जारी करेगी आई कार्ड, समुद्री मछुआरों को दिया जाएगा पहचान पत्र। 26/11 की बरसी के मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समुद्री रास्तों पर पुलिस की 1000 टुकड़ियां नियुक्त। 2 दिन बाद मनाई जानी है बरसी। महाराष्ट्र सरकार आई कार्ड जारी कर आपराधिक गतिविधियों पर कसेगा नकेल। समुद्री इलाकों को आने जाने वाले लोगों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने 26/11 के 5वीं बरसी से पहले कहा कि मुंबई पुलिस आतंकी हमलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समुद्री रास्तों के जरिए आतंकी कसाब अपने साथियों के साथ मुंबई में दाखिल हुआ था और दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार को अपने मंसूबों से उसने थाम दिया था। चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुणाल घोष शारदा ग्रुप की मीडिया हाउस के ग्रुप सीईओ थे। घोटाले सामने आने के बाद शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्त सेन ने कुणाल पर उनके साथ धोखाधड़ी करने और जबरन एक बंगाली चैनल को अपने नाम करवा लेने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को कुणाल घोष ने पार्टी नेतृत्व के एक हिस्से पर चिटफंड घोटाले में उन्हें बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि वो पुलिस को उन नेताओं के नामों का खुलासा करेंगे। शारदा समूह ने अपनी चिटफंड योजनाओं के जरिए कथित तौर पर लोगों से 2300 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके खिलाफ अप्रैल में कार्रवाई की गई थी। अश्लील कांड में फंसे उत्तराखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी सीडी को बताया झूठा, बोले मेरी इमेज खराब करने की हो रही है साजिश। पटना डीएम कार्यालय में हुए करोड़ रुपए के घोटाले से मचा हड़कंप। पटना पुलिस ने 3 नजीर को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से निकाले गए थे 3,56,00,000 रुपए। पटना के डीएम के आदेश पर दर्ज किए गए 2 अलग अलग एफआईआर पटना के पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में गठित हुई एक विशेष टीम पुलिस बैंकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से हुआ था करोड़ों का घोटाला। गबन का खुलासा खुद पटना के डीएम ने किया था। चेन्नई के आंध्र बैंक से हुई थी करोड़ों की निकासी। सुशासन बाबू आज 8 साल पूरे होने पर जारी करेंगे सरकार का 8वां रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में होगा पूरे 8 साल में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा। नीतीश सरकार के सालाना रिपोर्ट कार्ड के पेश होने से पहले बीजेपी ने किया उसे खारिज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला रिपोर्ट कार्ड झूठ का पुलिंदा है।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्यूनेट स्कैम मामले में 2 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 425 करोड़ रुपए के स्कैम मुंबई सहित पूरे देश में चलाया जा रहा था।